नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविशरी ट्यूब पर। दोस्तों, मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट टू वीडियो लेकर आया हूं। आपको मैं हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन और ये सारे पार्ट अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के निकलने से हुई थी? सही आंसर है इसका मिथाइल आइसोसाइनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था और काफी ज्यादा चांसेस है अगले एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर टू, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सही आंसर है इसका लिथियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? सही आंसर है इसका श्रीगुप्त ने करी थी। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही आंसर है इसका लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में है? सही आंसर है इसका दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, जो कि फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस तत्व को फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका सोडियम बेंजोइट को। जो सोडियम बेंजोइट होता है फ्रेंड्स, वो फलों और जो फलों के रस होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए उसमें ये केमिकल मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ ये। क्वेश्चन नंबर सेवन कर लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स आंसर इसका जेम्स चैडविक। जो जेम्स चैडविक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर एट कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? सही आंसर इसका सैडल चोटी। जो सैडल चोटी है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा। जब आपके 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मैं यही 33 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए इसी वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? सही आंसर इसका दूरी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर टेन, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर इसका आर्यभट्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? सही आंसर इसका कोयला को। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? सही आंसर इसका हृदय। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? सही आंसर इसका बैरोमीटर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हर साल एग्जाम में रिपीट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, संसार की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सही आंसर इसका नील नदी। क्वेश्चन नंबर 15, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? सही आंसर इसका महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सही आंसर इसका सिकंदर लोदी ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? सही आंसर है इसका 2.42%। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर का असली नाम क्या था? सही आंसर है इसका वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सही आंसर है इसका हीरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? सही आंसर है इसका एमीटर से। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, बुद्ध चरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है इसका अश्वघोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, लोहे पर जंग से उसके भार पर क्या फर्क पड़ता है? सही आंसर इसका बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, लोहे पर जब भी जंग लगता है उससे उसका जो भारी भारपन होता है फ्रेंड्स वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मछली सांस कहाँ से लेती है? सही आंसर इसका गिल से। क्वेश्चन नंबर 24, जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? सही आंसर इसका वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर इसका जलाल। क्वेश्चन नंबर 26, सोयाबीन प्रदेश किस राज्य को जाना जाता है? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश को। अपन जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 27, दुरंद कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है इसका फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 28, इटली की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर इसका यूरो। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे क्वेश्चन सारे पार्ट एग्जाम से पहले अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर इसका चंद्रगुप्त टू। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त युग का संस्थापक कौन था?
सही आंसर है इसका श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? सही आंसर है इसका असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 32, दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? सही आंसर है इसका सिलवासा। और अपना आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर है इसका सहारा मरुस्थल। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 33 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 33 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद दो क्वेश्चन का टेस्ट है, फिर टेस्ट मैं आपसे बाद में लूंगा, पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन करवाए हैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए हमेशा के लिए। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना रिवीजन। फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है जीके को याद करने का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के निकलने से हुई थी? सही आंसर इसका मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सही आंसर इसका लिथियम। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? सही आंसर इसका श्रीगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही आंसर है इसका लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में है? सही आंसर है इसका दक्षिण अंडमान। क्वेश्चन नंबर 6, किस तत्व को फलों और उनके रस को सुरक्षित करने में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है इसका जेम्स चैडविक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? सही आंसर है इसका सैडल चोटी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? सही आंसर है इसका दूरी की। क्वेश्चन नंबर 10, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है इसका आर्यभट्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? सही आंसर है इसका कोयले को। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? सही आंसर इसका हृदय। क्वेश्चन नंबर 13, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? सही आंसर इसका बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, संसार की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सही आंसर इसका नील नदी। क्वेश्चन नंबर 15, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? सही आंसर इसका महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 16, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सही आंसर इसका सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? सही आंसर इसका 2.42%। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर का असली नाम क्या था? सही आंसर इसका वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सही आंसर इसका हीरा। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? सही आंसर इसका एमीटर में। क्वेश्चन नंबर 21, बुधचरित की रचना किसके द्वारा की गई? सही आंसर इसका अश्व घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, लोहे पर जंग से उसके भार पर क्या फर्क पड़ता है? सही आंसर इसका बढ़ जाता है लोहे का भार। क्वेश्चन नंबर 23, मछली सांस कहाँ से लेती है? सही आंसर इसका गिल से। क्वेश्चन नंबर 24, जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? सही आंसर इसका वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर इसका जलाल। क्वेश्चन नंबर 26, सोयाबीन प्रदेश किस राज्य को जाना जाता है? सही आंसर इसका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, दुरंद कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर इसका फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 28, इटली की मुद्रा क्या है? सही आंसर इसका यूरो। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर इसका चंद्रगुप्त टू। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त युग का संस्थापक कौन था? सही आंसर इसका श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सबसे बड़ी नदी माजुली किस राज्य में है? सही आंसर इसका असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 32, दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? सही आंसर इसका सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर है इसका सहारा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 33 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको ये 33 क्वेश्चन रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, याद भी हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 33 क्वेश्चन करवा दूंगा और रिवाइज भी करवा दूंगा उसके बाद दो क्वेश्चन का टेस्ट है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के निकलने से हुई थी? सेकंड ऑप्शन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की। मतलब फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके फैमिली में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ इस चैनल को लिंक को शेयर करिए ताकि
ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।